अगर रातों रात कौन सी कोख से पैदा हो गए? ये धरती बंजर होके भी बुजदिल पैदा नहीं करती है। कौन क्या उखाड़ता है देख लेगा। तो फाइनली दोस्तों, दशहरा और भोला ने अपने 10 दिन कंप्लीट करके 11वें दिन में एंट्री मार ली है और कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ नंबर सेट भी कर रहे हैं। दोस्तों आज जानेंगे कि पूरी दुनिया में कौन कितनी कमाई कर रही है, पहले दिन किसने कितना कमाया, ब्लॉकबस्टर हिट का टैग किसके पास है, कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप, किस मूवी को पब्लिक से शानदार रिव्यू मिल रहे हैं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करेंगे नेचुरल स्टार नानी के करियर की एक बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म दशहरा के बारे में। जी हां, दशहरा ने नानी को बिगेस्ट ग्रॉसर बना दिया है अपने पहले दिन से ही, जहां 30 करोड़ जबरदस्त कमाई करके एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड सेट किया था और पूरी दुनिया से अपने ओपनिंग डे में ही 38 करोड़ का बिग कलेक्शन भी किया था। जबकि साथ में भोला जैसी दिग्गज मूवी भी रिलीज हुई थी, जिसका कंटेंट भी सेम मासी है, फुल ऑफ एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी, लेकिन धूल चटा दी भोला को पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में और बिगेस्ट ग्रॉसर के मामले में। बता दूं तो श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में मात्र 65 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म दशहरा क्या सुपर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली है। दोस्तों नानी के लीड रोल में बनने वाली दशहरा उनके करियर की एक बिग ब्लॉक मूवी है, जिसमें आपको कीर्ति सुरेश और दीक्षित सेट्टी जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। बात करें अभी तक इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है, तो यस, पहले 4 दिन में 87 करोड़ की जबरदस्त कमाई अपने खाते में रखी थी, साथ ही 108 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लिया था। बता दूं तो दोस्तों दूसरे हफ्ते भी क्या गजब कमाई करते नजर आ रही है दशहरा, जबकि सामने दिग्गज स्टार रवि तेजा की फिल्म रावणासुरा जबरदस्त टक्कर दे रही है। लेकिन मानना पड़ेगा नेचुरल स्टार नानी रावणासुरा पर भी भारी पड़ रही है। बात करें अभी तक का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना समेट लिया है इस फिल्म ने, तो यस, अपने डे 9 में इंडियन बॉक्स ऑफिस से 3.5 करोड़ का बिग कलेक्शन किया था और अपने 10वें दिन में लगभग 4 करोड़ का बिग कलेक्शन कर रहा था। बात करें आज यानी डे 11 में कैसी ग्रोथ है इस फिल्म की, तो इंडियन बॉक्स ऑफिस से लगभग 5 करोड़ तक का आंकड़ा अपने नाम किया था और इसी के साथ पूरी दुनिया से लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 122 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया है और नानी के करियर की एक बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी उभरकर सामने आ रही है दशहरा। लेकिन बात करें दूसरी फिल्म यानी भोला के बारे में, तो यस, इसे भी सेम डेट को रिलीज किया गया था दशहरा के साथ और अपने ओपनिंग डे से कुछ खास कमाई करते नजर आ नहीं रही है, जैसा कि अजय सर की बाकी फिल्में करती हैं। लेकिन हाँ, अपने दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दिन तक अच्छी खासी कमाई करी थी बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन उसके बाद एवरेज ट्रेंड करते हुए बुरी तरीके से सरवाइव करते नजर आ रही है, जिसे अपनी लागत निकाल पाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। जी हाँ, भोला को लगभग 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है, जिसका डायरेक्शन खुद अजय सर ने किया है, साथ ही मूवी को लीड भी खुद मास महाराजा अजय देवगन सर ने ही किया है। बता दूं तो मूवी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी का रीमेक है, जिसके लिए अजय सर ने मूवी में काफी चेंजेस करे हैं, VFX का सटीक इस्तेमाल किया है, एक्शन में धमाकेदार मसाला डाला है, विजुअल्स में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। दूसरा, मूवी ने अपने ओपनिंग डे में ही लगभग 11 करोड़ का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस से करा था और साथ ही वर्ल्ड वाइड ओपनिंग भी अच्छी खासी ली थी। वहीं शुरुआती 4 दिन के वीकेंड में 44 करोड़ का कलेक्शन सेट कर दिया था, वहीं बिग डेज में भी ग्रोथ अच्छी करते नजर आ रही है। इस फिल्म ने अपने पहले 8 दिन में लगभग 60 करोड़ के आसपास आंकड़ा टच कर लिया था और पूरी दुनिया से लगभग 78 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुंचा दिया था। बता दूं तो डे 9 में लगभग 3.60 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखी थी और कल यानी अपने 10वें दिन में भोला ने बाउंस बैक करते हुए 4.30 करोड़ की कमाई खाते में रखी थी और कल तक टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 67 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था। वहीं पूरी दुनिया से 90 करोड़ का बिग कलेक्शन कर लिया था। बात करें आज यानी डे 11 में कैसी ग्रोथ है मूवी की, तो यस, अभी प्रॉपर आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, इंडियन बॉक्स ऑफिस से लगभग 5.5 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है। ऐसे में टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 73 करोड़ के आसपास पहुंचा देगी एंड ऑफ द डे। वहीं पूरी दुनिया से लगभग 96 करोड़ के ऊपर आंकड़ा सेट कर देगी। बता दूं तो दोस्तों मूवी को जबरदस्त स्टार कास्ट के साथ सजाया है अजय सर ने, जिसमें आपको तब्बू, अमाला पॉल, संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मूवी बहुत शानदार है, जिसने देख लिया उन्होंने तो मजा लूट लिया है, पर जिसने नहीं देखी आज जाके जरूर देखो यार, ऐसा कॉन्टेंट बार बार नहीं आता बॉलीवुड में। दोस्तों दशहरा और भोला दोनों फिल्मों के सारे फिगर्स मैंने आपके सामने दे दिए हैं, अब आपकी बारी, ये आप लोग बताएंगे कि कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई कर रही है, किस फिल्म को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है दोनों में से, सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ यार। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।